What's up YouTube? This is Fit with Atwal. तो आज हम एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि जो स्किनी गाइज होते हैं जब वो पहले दिन जिम में जाते हैं तो उनके जो गुरुजी होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि आप मास गेनर ले लो, इससे आपका मसल वेट बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे, और वो जल्दी मोटे होने के चक्कर में ये चीजें ले लेते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या हमें ये खरीदना चाहिए और क्या हमें ये नहीं खरीदना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास गेनर होता क्या। आपको सीधा सीधा मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, मास गेनर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप बेसिकली बहुत ही चीप न्यूट्रिएंट पे पैसे खर्च करेंगे अपने, 4 से 5 जितने भी हजार का आता है ये, और वो चीप न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। वो आपको घर पे किसी भी चीज में अवेलेबल होता है, जैसे आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी उसमें कार्ब्स होते ही हैं, तो उससे बेटर है आप वो चीजें खाएं। मैं आपको अब न्यूट्रिशन वैल्यू से बताता हूँ कि ऐसा क्यों आपको मास गेनर क्यों नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, मास गेनर में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या है। मैं इधर साइड में आपको न्यूट्रिशन फैक्ट दिखाता हूँ मास गेनर का, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं इसकी सर्विंग में देख रहा हूँ, 334 ग्राम की इसकी सर्विंग है जिसमें 1250 कैलोरीज हैं। इतनी ज्यादा कैलोरीज एक बंदा एक टाइम पे, सिर्फ 2 स्कूप से आप इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड फैट है इसमें, जो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट अनहेल्दी फैट होता है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें है। कोलेस्ट्रॉल है 88 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स है 250 ग्राम, जिसमें से शुगर 20 ग्राम। इतने ज्यादा कार्ब्स एक सर्विंग में कोई भी बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो आप ज्यादा जितने कार्ब्स लेंगे एक सर्विंग में, जितने एब्जॉर्ब या यूज होने होते हैं वो उतने ही होंगे, बाकी आपके फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा कार्ब्स लेने का कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा आपको नुकसान ये हो जाएगा कि आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाएगी। तो इसी के साथ देखते हैं, सिर्फ 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है इसमें। तो आपको ये लेने का फायदा क्या है, आप पैसे खर्च कर रहे हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो आप ब्रेड से, ऑमलेट से, शुगर से, आप 20 ग्राम ऑफ शुगर जो वाइट शुगर है, इससे अच्छा तो आप शुगर ले लीजिए जो आपके घर पे नॉर्मली अवेलेबल होती है, वो ज्यादा बेटर रहेगी आप जो आपका ये मास गेनर से। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने कंपेयर करी थी, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है मास गेनर, सीरियस मास उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। आप किसी भी बाहर के ब्रांड, इंडियन ब्रांड, जो भी मास गेनर आपको देखना है उसका न्यूट्रिशन लेबल देखिए, और उसमें 4:1:4 के रेशो में प्रोटीन इज टू कार्ब्स होंगे, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, 1:2 के रेशो में होना चाहिए कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन लेंगे तो आप 2 ग्राम कार्ब्स लेने चाहिए, लेकिन इन सीरियस मास में या फिर मास गेनर्स में ये होता है 1:4 का रेशो। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आप 4 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं, तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका सिर्फ ये सब फैट्स में ही कन्वर्ट होगा, जिससे आपकी बेली मोटी हो जाएगी और आप बिल्कुल ब्लोटेड फील करेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वो। और जो आपका मेन मोटिव होगा कि आपको मसल मास गेन करना है, वो आपका हो ही नहीं सकता इन चीजों से। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि सीरियस मास लेना चाहिए कि नहीं, मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। मैंने तो आपको न्यूट्रिशन लेवल भी फोटो से दिखाया, क्योंकि मेरे पास तो ये सप्लीमेंट मैं कभी भूल के भी ना खरीदूं, तो आपको मैं यही बोलूंगा कि ये चीज नहीं लेनी चाहिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप अपनी डाइट में जो मील्स हैं वो बढ़ा दीजिए, जैसे कि अगर आप 3 मील ले रहे हैं एक दिन में, तो आप 4-5 मील कर दीजिए और थोड़े थोड़े कार्ब्स डिवाइड कर दीजिए कि एक टाइम पे कम 100 ग्राम कार्ब्स, 90 ग्राम कार्ब्स, ऐसे ऐसे करके कार्ब्स लीजिए, जिससे आपकी बॉडी कंज्यूम भी करती रहे और आप बल्ड अप भी होते रहे, जो आपको वेट बढ़ाना है, जो आपको वेट पुट ऑन करना है वो इजिली हो सके। तो सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने मील्स बढ़ा दीजिए और देखिए कि आपको फिर कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको ब्लोटेड भी फील नहीं हो। तो यही थी मेरी आज की वीडियो जो मास गेनर पे थी। तो आपको सीधा सीधा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता दिया था, बीच में भी बता दिया था, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं लेनी है, ये बहुत बेकार चीज है, आपको इस पे पैसे खर्च करने ही नहीं चाहिए जो आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है वो जरूर हिट कर देना, उससे जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।